सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आपके चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर। इसके लिए हमें चाहिए कटा हुआ पनीर, उबली हुई मटर, टमाटर का पेस्ट, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो चलो हम सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रखते हैं, उसमें 2 कलछी ऑयल डालकर उसे गर्म होने देते हैं। आप देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें कटा हुआ पनीर डालते हैं और उसको भूनते हैं। देखिए हमारा पनीर ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकालते हैं। हमारी कढ़ाई में तेल बचा था, अब उसी में थोड़ा जीरा डालते हैं, बारीक कटी हुई अदरक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और टमाटर की ग्रेवी डालते हैं। फिर इसको अच्छे से चलाते हैं। अब इसमें नमक डालते हैं। आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच खटाई डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें उबली हुई मटर डालते हैं और भुना हुआ पनीर डालकर इसे अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी डालते हैं, इसको अच्छे से चलाएंगे और थोड़ी देर खदकने के लिए छोड़ देंगे। आप देखिए हमारी सब्जी में खदक आ गई है। अब इसमें धनिया डालेंगे। हमारी सब्जी रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।